हेलो एवरीवन, सो यार कैसे हो सभी लोग। एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न रिगार्डिंग द रीप राजस्थान। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इश्यू भी था कि भैया जो है रीप के बारे में कुछ हमें बताइए, कब इसका फॉर्म रिलीज होने वाला है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न होने वाला है इस बार। रीप क्या होता है बेसिकली, जो भी स्टूडेंट नए हैं तो उनको बता देता हूँ थोड़ा। यार राजस्थान स्टेट के अंदर जितने भी अच्छे टॉप गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें जो है एडमिशन लेने के लिए एक सिंपल काउंसलिंग प्रोग्राम होता है। दिस इज कॉल्ड रीप REAP 2022। तो रीप 2022 की जो काउंसलिंग होती है, दिस इज कॉल्ड रीप राजस्थान। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कि क्या सारा प्रोसेस है, कैसे इसमें एडमिशन होता है। सो यार बेसिकली आप अगर इस वीडियो को फ्यूचर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पे वॉच कर रहे हैं, देन आपको जो है रीप की जो कंप्लीट वॉच हिस्ट्री है या फिर आने वाले जो फ्यूचर के जो वीडियोज हैं वो आपको इंजीनियरिंग वाला यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया पे आई थिंक अब कोई वीडियो रीप के रिगार्डिंग अपलोड नहीं होगा, लेकिन और अदर जस्ट लाइक CUET एंड एरोस्पेस एंड टॉप इंजीनियरिंग ब्रांचेज रिव्यूज के आपको वीडियोज मिल रहे होंगे, तो आप इसको तो सब्सक्राइब करके ही रखो। और रीप के जितने भी कॉलेजों के रिव्यूज है, अच्छे हैं बुरे हैं, तो इसके लिए आप जो है इंजीनियरिंग वाला यूट्यूब चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसका आप सब्सक्राइब कर सकते हो। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे भी मैं ही बताता हूँ आपको, बिकॉज इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंटेंट हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया मैंने उस पर, तो जैसे आप जो है इंजीनियरिंग वाला को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब अपन बात करते हैं इसके फॉर्म की कि इसका फॉर्म कब आता है यार बेसिकली, और ये भी बात करेंगे कि किसके बेसिस पे एडमिशन होगा, यानी कि 12th बेसिस पे होगा या फिर डायरेक्ट होगा। ठीक है, और जितने भी कॉलेजेस है रीप के अंदर, चाहे वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हो, टॉप प्राइवेट कॉलेज हो, एंड गारंटेड एडमिशन प्लान इज ऑलरेडी रनिंग, तो उसके लिए नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड जो है गारंटेड एडमिशन जो हमारी टीम कराती है, अगर सीटें वगैरह बच जाती है एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे, जितने भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है जैसे MBM जोधपुर, CTE उदयपुर एंड जितने भी कॉलेजेज हैं, ठीक है, बीकानेर है, RTU कोटा है, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेजेज है, जितने भी कॉलेजेज हैं XYZ, सब में एडमिशन करवाया जाता है हमारी टीम की तरफ से। ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट फॉर एनी जस्ट लाइक कोई ये वो वाला काम नहीं है कि जस्ट आप वो मतलब आप वैसे कर रहे हो या फिर कोई वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट मतलब फुल ऑफिशियल प्रोसेस द्वारा एडमिशन कंप्लीट कराया जाता है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है देन आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। सो यार बेसिकली जो इसमें जो एडमिशन है वो 12th बेसिस पे होता है, सॉरी JEE मेन बेसिस पे होता है एंड 12th बेसिस पे भी होता है, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर JEE मेन बेसिस। यानी कि अगर JEE मेन के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अगर सारे के सारे एडमिशन ले लेते हैं, देन अगर सीटें बचती हैं तो फिर 12th वालों को जो है मौका दिया जाता है। राइट, सो जस्ट आप ट्रू ट्राई करिए कि आप जो है JEE मेन में मस्ट अपीयर हो, JEE मेन में अपीयर जरूर होना है आपको। ठीक है, मार्क्स आए ना आए वो तो बाद की बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज JEE में जरूर अपीयर हो। अब इसके जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो जल्द ही आ जाएंगे। ठीक है, जल्दी एटलीस्ट आप मान सकते हो अगले वीक तक, यानी कि आप जून के अंदर इसके अप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे जल्दी। इसकी जो वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो reap2022.com एंड पहले की पिछले साल की जो वेबसाइट है reap2021.com। एंड इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाली यूनिवर्सिटी हैं, बेसिकली ऑलमोस्ट जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेज है जैसे MBM जोधपुर है, RTU कोटा है, CTE उदयपुर है, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेजेज है, या फिर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेज वगैरह, ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं। हर बार कॉलेजेज जुड़ते हैं घटते हैं, ये सारा सिस्टम चलता रहता है, तो जितने भी रीप के जो प्रोसेस है आपको इंजीनियरिंग वाला पे मिल जाएंगे जैसे ही एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, या फिर आप हमारी टीम से काउंसलिंग मेंटर प्रोग्राम भी ले सकते हैं जिसके अंदर आपकी डिजायर ब्रांच डिजायर एडमिशन कराया जाता है हमारी टीम की तरफ से, कस्टमाइज एडमिशन जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, इसके लिए आप जो है व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड अप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका जून के अंदर रिलीज हो रहा है अभी, एंड आपको जो है फॉर्म फिल करना होता है, आपके जस्ट JEE के अगर स्कोर नहीं आया तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आपको वहाँ पर डालना है बस अपना जो भी डिटेल बेसिक है एंड जस्ट 12th वगैरह पे, देन फिर जो आपको ₹250 आपकी काउंसलिंग फीस है, जैसे ही आप फीस पे करते हो फिर जस्ट प्री रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद राउंड निकलते हैं, जैसे कि 2 राउंड होते हैं बेसिकली, देन एक 3 मैक्सिमम 3 राउंड्स होते हैं, मैक्सिमम 3 राउंड्स के बाद जो है एक लास्ट में जो है
जो भी सीटों के बेसिस पे स्पोर्ट राउंड भी कंडक्ट किया जाता है। और इस साल जो है क्लास से एटलीस्ट जो है एक्सेप्टेड कर रहे हैं कि अगस्त तक जो है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक क्लास से स्टार्ट हो जाए, तो जस्ट एडमिशन प्रोसेस जो है जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा रीप राजस्थान का प्रोसेस है। और जिन भी बच्चों को जो है लेटरल इंटरव्यू में एडमिशन लेना है रीप के अंदर, तो वो भी जस्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं इन दिस इंजीनियरिंग कॉलेजेस। और कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन कौन से बुरे कॉलेजेज है रीप के अंदर, कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा बुरा कॉलेज है, इसके लिए भी वीडियोज इंजीनियरिंग वाला पे अपलोड हो रहे होंगे। तो आई होप आपने उसको सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच। खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। और अगर आप इंजीनियरिंग वाला पे इस वीडियो को देख रहे हैं देन जैसे आप फ्यूचर ऑफ इंडिया को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज उसके ऊपर जितने भी बेस्ट ब्रांचेज रिव्यूज वीडियोज हैं वो अपलोड हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच गाइज, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।